अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज आपने बहुत ही टाइम के बाद ये बैकग्राउंड देखा है। ये है मेरा पुराना रूम, ठीक है। तो आज मैं आई हुई अपनी अम्मी की तरफ और हम लोगों ने कल जाना है शादी पे उकाड़ा, ठीक है। तो मैंने कहा आज मैं अपनी अम्मी की तरफ से हुआ हूँ और मैंने आज लगवानी है मेहंदी इन प्यारे प्यारे हाथों पर, ठीक है। तो आज हम लोग जा रहे हैं बाज़ार अम्मा के साथ। वैसे मैं मेहंदी अपने ससुराल में भी लगवा सकती थी, ये नहीं है कि मतलब कि ऐसा कोई इश्यू है। एक्चुअली इशू ये है कि मैंने मेहंदी लगवानी है और मम्मा ने भी लगवानी है, ठीक है। और अगर मैं लगवा जाती ना तो मेरी अम्मा ने नहीं जाना था, तो इस वजह से मैंने कहा चलो आज जाते हैं अम्मा के पास, उन्हें पकड़ते हैं, मेहंदी लगवाते हैं और उन्हें घर छोड़ते हैं। तो मैं अपने भाई के साथ आज आई हूँ अपने मायके, ठीक है। बहुत सर्दी है तो आज मैंने लेदर की जैकेट पहनी है। सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और एंड भी होने वाली हैं। सो अब हम लोग जा रहे हैं मेहंदी लगवाने के लिए। तुम लोग बोल लो यार, चले बाय बाय। और यहाँ मम्मा का कुछ ज्वेलरी पसंद आ गई थी तो मम्मा ने कहा चलो वो ले लेते हैं। फिर हम लोग अब आके जाने लगे हैं और हमें रास्ते में ये ड्रेसेस पसंद आई, मम्मा ने एक दो लिए। और अब हम लोग आगे जा रहे हैं कोई मेहंदी वाली शॉप ढूंढने के लिए ताकि हम मेहंदी लगवाएं। सो फाइनली वी आर बैक नाउ। मेरे पास ज़रा टाइम नहीं था कि मैं अपने मेहंदी का व्लॉग आपके साथ शेयर करती, तो आज यह मैं मेहंदी लगवाई हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा ये आपके साथ इसी तरह ही शेयर करूँगी, मेरे एक हाथ की है और ये मेरे दूसरे हाथ की है, ठीक है। और मेरी मम्मा जी ने भी मेहंदी लगाई है। और किधर गई मम्मा? अब मैं अपनी मम्मा को आपको दिखाती हूँ तो आपने मुझे बताना है वो कैसी लग रही है। ये मेरी मम्मा जी ने मेहंदी लगाई है, आप इनके मेहंदी का डिज़ाइन चेक करें, ठीक है। और ये मेरी मम्मा की काली काली आंखें जाग जाग के हैं। और ये देखें ये मेरी प्यारी सी गोलू मोलू सी मम्मा। हाँ जी मम्मा जी, आपको मेहंदी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। अच्छा जी, अब हम कल कहाँ जा रहे हैं? हम उकाड़ा जा रहे हैं। क्यों? शादी है। किसकी? मेरी के बेटी की। अच्छा, हाँ जी। ज्वेलरी आपकी बेटी है? हाँ जी। अच्छा जी, हाँ जी। तो मम्मा जी आपने मेरी शादी पे तो ऐसी मेहंदी नहीं लगाई थी इतनी? कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? मेरी जब शादी हुई थी तो बड़ी सिंपल सी लुक थी। अब मेरी मामी की बहन की शादी है और उनकी शादी के लिए ऐसी तैयारियां हो रही हैं कि क्या कर सकते हैं। अच्छा, मेरी कोई बहन नहीं है, उनको भी मैं अपनी सिस्टर की तरह ही ट्रीट करती हूँ। तो हम लोगों ने कहा जरा पता चलना चाहिए, उनकी तरफ से कोई रिश्तेदार आया है लाहौर से। तो ये है मेरी फुल लुक, अभी मैं दिखाती हूँ, रुके। ये मेरी मम्मा के डिज़ाइन है मेहंदी का, ठीक है। ये सूखी हुई सर से इस तरह की लग रही है, ये दूसरा डिज़ाइन है। आए हाय चमक, चलो। ये मेरा एक हाथ है, ये मेहंदी देख लिया आप। और ये मेरा दूसरे हाथ की है। अच्छा, आपको पता आज क्या हुआ? हम लोगों ने करनी थी शॉपिंग, ठीक है। मैंने कहा कुछ जर्सियाँ वगैरह खरीदती हूँ, हमने कहा चलो पहले मेहंदी लगवा लेते हैं उसके बाद हम करेंगे शॉपिंग। अब कल हमने जाना है उकाड़ा तो मैंने कहा ज़रा कुछ जर्सियाँ वगैरह खरीद लेती हूँ। अब मम्मा जी मुझे मेहंदी वाली शॉप पर ले गई, हम लोगों ने मेहंदी लगवा ली। और ये वाली मेहंदी तो ड्राई होती नहीं है, हमें याद आई तो ड्राई होती नहीं है और हमारा सारा प्लान कैंसिल हो गया। अब मुझे दोबारा आना पड़ेगा शॉपिंग के लिए। और मम्मा जी वहाँ जाकर, हाय मिशेल मुझे तो याद ही नहीं रहा, ये तो वो सर्दियाँ आ गई हैं, ये तो खुश्की नहीं होनी है। मैं कि ये बड़ी चलाक बनी है, आपका दिल ही नहीं कर रहा था मुझ पर पैसे खर्च करने। कहती नहीं नहीं तुम पे नहीं खर्च करने, तो किस पे खर्च करने? तो कल हम लोग अब जा रहे हैं शादी पे कि कल आपको साइड डिटेल शेयर करूँगी। बाय बाय। हाँ जी, तो ये अब मेरी मेहंदी आलमोस्ट ड्राई होने लगी है। अब इसका कलर मैं आपको दिखाऊँगी बाद में। और रात को मैंने अब जाना है वापस ससुराल, ठीक है। और कल मैं वापस आऊँगी शादी के लिए, ठीक है। और हम लोगों ने अब जाना है कल उकाड़ा, ठीक है। तो ये है मेरी मेहंदी, अब इसको ड्राई करूँगी मैं। तो अब मैंने बस ये मेहंदी ड्राई हो जाए उसके बाद मेरे हबी जी आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। और ये जो रियल कलर होगा, मैं इसका जो रंग आया है वो मैं आपको शायद अभी दिखाऊँ या शायद अपने ससुराल में जाके। तो इंशाल्लाह अब मिलती हूँ थोड़ी देर तक, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़। और अब मैं आपको कुछ अपनी अदाएँ दिखा रही हूँ कि मेहंदी लगाई है तो ये पोजेस तो मस्ट है। और ये मैं अपने भाई के साथ जा रही हूँ ससुराल, वो कह रहा था मैं छोड़ देता हूँ। ये आप मेरा हाथ देखने काम पर है सर्दी की वजह से, और शाम होने लगी थी तो भाई ने कहा मैं तुम्हें ले जाता हूँ।
और ये देख लें अब मेरा सर्दी से कितना बुरा हाल है। मैं वहाँ बाइक पे कांप रही हूँ, फुल कांप रही हूँ। कितनी ठंड है जी। और मैं अब अपने ससुराल आ गई हुई हूँ और मुझे ससुराल आके पता चला है कि मेरे हस्बैंड मुझे लेने के लिए गए हुए हैं। अब मैं उन्हें फ़ोन करके इन्फॉर्म करती हूँ कि वो आए वापस, क्योंकि मैं घर आ चुकी हूँ। ठीक है, तो ये है कि मैं आई तो अपने भाई के साथ हूँ। मैंने कहा था क्या इन्हें डिस्टर्ब करना, इन्हें सरप्राइज़ देती हूँ जाके, और अब मुझे पता चला वो मुझे लेने के लिए गए हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं उन्हें इन्फॉर्म करती हूँ कि जनाब जी मैं घर आ गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है? वालेकुम सलाम। क्या हुआ है? तो फिर मैं ये औरत ने मुझे आधे रास्ते वापस लाया। मुझे पता ही नहीं था कि आप आ रहे हो मुझे लेने के लिए। मैंने कहा चलो घर जाके इन्फॉर्म कर दूंगी। कैसा लग रहा है? मैं आ गई हूँ, कैसा लग रहा है? नशे में हो? जरा सा झूम ले लो। हाँ जी, मेरी मेहंदी कैसी लग रही है देखे जरा? अच्छी लग रही है, बड़ी अच्छी लग रही है। ये भी ड्राई है और इसे फिर मैं वॉश करूँ, फिर मुझे पता चलेगा कि मेरे हस्बैंड से कितना प्यार करते हैं। ये भी है, ये वाला हाथ भी है। बेटा मेरी मेहंदी का रंग बताएगा मुझसे कितना प्यार करते हैं। मेहंदी दो नंबर लगवाई है, मेरा क्या कसूर? नहीं नहीं, फिर भी रंग आना चाहिए। है? हाँ नहीं सेट ली है? जी मैं नहीं सेट ली थी। हाँ जी, मेरी मेहंदी कैसी लगी? बहुत प्यारी, अल्लाह ताला मेरी बेटी को खुश रखे। अच्छा अम्मी जी, अब ये मेरे मेहंदी का रंग बताएगा हमसे कितना प्यार करती है। वही दो नंबर? नहीं 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 नहीं, दो नंबर नहीं, हथेली हथेली में पीछे नहीं, स्किन पे हमेशा कलर हल्का आता है, हथेली पे सही। नहीं यहाँ पे आते पास है, मेरी सास कितना प्यार करती है। हथेली में जाके ऊपर ब्लैक कलर का परमानेंट मार्कर फेरता हूं, देना जरा ना डार्क आया फिर बताना मुझे। ऐसी कोई बात नहीं, अब मम्मा मेरी मेहंदी का रंग बताएगा कि मेरी सास मुझसे कितना प्यार करती है। मार देना ना वो ये हथेली पे। हाँ जी हस्बैंड जी, आप प्यार करते हैं मुझसे? ये रंग बताएगा मुझे। अगे तो ये रंग हल्का आया, मैंने भी साथ को आएगी सड़े घर से। हाँ ये पक्का रंग है मेरी बेगम के प्यार का। ये देखो, ये एक्सीडेंट हुआ था मेरा। नहीं नहीं हथेली पे होता है, पीछे नहीं होता, हथेली के ऊपर होता है। बस अम्मी जी अभी मैं हाथ धोने जा रही हूँ, फिर देखते हैं कैसा रंग आता है। बस ठीक हो गया, मेहंदी सड़े घर से डार्क आया ना तो फिर तुम्हारी तरफ से यार ट्रीट होगी। आप कौन पता? हाँ जी, तो मिशेल गई है हाथ धोने के लिए। मिशेल आ जाओ, देखो दिखाओ तो सही कैसी लग रही हो, कैसा आया कलर? ओ मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। देखे जी उसकी सास इसको कितना प्यार करती है, मुझे और देखे मेहंदी ने सबूत दे दिया है कि इसकी सास इसको कितना प्यार करती है। नहीं नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो। रंग लाल भी नहीं आया, काला आया, काला निशानी है प्यार की। देख लेंगे ना, मेरी बहू ने मुझे बदनाम करने की नाकाम कोशिश की, अल्लाह का शुक्र है मेहंदी वालों ने केमिकल तेज डाला था। देखा मैंने आपको क्यों बदनाम करना है। देख लो हो गया ना रंग, बड़ा प्यारा कलर। हाँ जी, सो मेहंदी का रंग तो गहरा आ गया है माशाल्लाह से। सो इसका मतलब है कि मेरे हस्बैंड और मेरी सास मुझसे बहुत प्यार करती है, अल्लाह ताला नसीब अच्छा करे। और अब हम लोग कर रहे हैं पैकिंग, 12 बजे हैं रात के और अब हम लोग कर रहे हैं पैकिंग। ये जनाब पैकिंग कर रहे हैं अपने सामान की, और ये मेरा सामान है ठीक है, और ये वाला ड्रेस है जो मैंने पहनना है बारात पे, ये देख लें। और अब हम लोगों ने पैकिंग कर ली है। हेलो, सो हम लोग अब लोग सोने लगे हैं और आज का दिन बहुत अच्छा रहा है। और दूसरा यह है कि मेरे हस्बैंड ने आज मुझे एक सरप्राइज़ भी दिया है, आज मेरी सेकंड एनिवर्सरी एंगेजमेंट एनिवर्सरी ठीक है। और ये है कि सरप्राइज़ की वीडियो मैं नेक्स्ट अपलोड करूँगी ठीक है। और बाकी ये है कि कल हम लोगों ने सुबह सुबह निकलना है, और बाकी ना बाकी सारी डिटेल्स मैं आपके साथ 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 शेयर करूँगी। ये व्लॉग यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ, और बाकी ये है कि एनिवर्सरी फ़ोन आ गया, इसका फ़ोन
अच्छा जी, बाकी ये है कि एनिवर्सरी का मैं आपको साथ व्लॉग शेयर करूँगी, आपने उसे भी देखना है। मिलती हूँ कुछ दिन तक एक नई वीडियो के साथ, तब तक लीला हाफिज़।